What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile का एक ऐसा गेम प्ले जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत कुछ करने वाले हैं क्योंकि ये है एक ऐसा चैलेंज जो कि भाई बड़ा इम्पॉसिबल टाइप का था बट हमने कर लिया. ऑफकोर्स ये है स्नाइपर ओनली चैलेंज पूरे के पूरे सर्वर में. तुम बोल रहे हो कि भाई ये क्या बोल रहा है एंड ब्रो, क्या नशे वशे से कर लिया है जिंदगी के, ये क्या बोल रहा है चोमूसा. इस गेम प्ले के अंदर सारे लोग 98 के 98 लोग सिर्फ स्नाइपर चलाएंगे. जी हाँ, एंड आज सारे के सारे हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज पूल में. अरे भाई क्या बताएं, ऐसा सीन हुआ कि भाई सारा सर्वर स्नाइपर चला रहा था एंड बस क्या ही बताऊं, इतने सारे बंदे एंड इतने सारे मजे आए कि क्या बताऊं. अब उतरते मेरे को तो मिल गई है स्केस लेके. मैं तो भाई कते धमाके वमाके से मैंने बजाने शुरू कर दिए कि भाई जल्दी आ जाओ, एक एक करके मरते जाओ. नॉक करो, दो नॉक है यहाँ. एनिमीज अहेड, गोलियां खत्म. तो एसकेएस की बट मेरी आपको फिर एमो खत्म हो गया. मैं बेचैन, भाई कोई एमो दे दो यार, बैंड बज गई मेरे को, कोई कुछ तो दे दो. तो अब मैं निहत्ते टाइप फील कर रहा था यार कैब गैंग कि कोई काश कुछ दे दे. मगर फिर क्लैन के हमारे एक बंडे ने, नहीं हमारी क्लैन का नहीं, नॉर्मैन क्लाउड ने हमको उठा करके एक मिनी दी. अब मिनी मिलती भाई मैं खुश हो गया, मैं भाई बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरे पास तो गन नहीं थी और इस बंदे को रिवाइव करने के चक्कर में मेरे को गन मिल गई, मिनी मिल गई भाई, वो भी इतनी अच्छी खासी एम्यूनिशन के साथ, वरना मैं तो नियत्ता भाग रहा होता. तो ये मैंने उसे टैक्स की तरह ले लिया कि लाइक वो बंदा जैसे ही नॉकआउट हुआ उसने अपनी गन मेरे को दे दी बचाने के लिए. मैं इतना धोखेड़ी का नूबड़ा, मैंने उसकी गन ही छीन ली. मैंने कहा मैं दे नहीं रहा. तो अब ये यहाँ पे बंदे भाग रहे थे अपनी जान के लिए जॉर्ज पूल छोड़ करके. अब ये बंदे भाई यहाँ पर दोनों निहत्ते थे, इनको मैं बहुत देर से देख रहा था भाई, ये इधर उधर बेचारे बिना गन के भागे जा रहे थे. अब इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया कैब गैंग, तब हम क्या करें. ये पबजी है मेरा दोस्त, ये एक्स का घर जैसा है तुम्हारा. यहाँ पे कब तुमको धोखा मिल जाए ये तुमको भी नहीं पता चलेगा. जस्ट लाइक योर एक्स, शक्ल से बड़े अच्छा दिखता है ये गेम, बट जब तुमको रियलिटी पता चलती है कि इसमें गन्स ही नहीं है, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और की बंदी है, तो भाई काटम काटी हो जाती है जिंदगी की पतंगे टाइप कट जाती है. एनिमीज अहेड, एक ऊपर चल रहा है. अब तुम में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हो कि भाई ये मैंने होस्ट किया कैसे, हम सब लोगों पे सिर्फ स्नाइपर कैसे आ रही है, पूरे सर्वर पे सिर्फ स्नाइपर कैसे. तो ये मैंने एडवांस कस्टम रूम से होस्ट करा है कि मैंने सारी गन्स ऑफ कर दी थी, सिर्फ स्नाइपर थी एंड सब लोग सिर्फ स्नाइपर चला रहे थे. भाई बहुत मज़ा आ रहा था. इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, DMR है, मतलब जितनी भी स्नाइपर होती है ना, लाइक VSS भी स्नाइपर ही है भाई. हमें पता है कि सब लोग उसको मटर वाली गन कहते हैं भाई उसके अंदर से, बट वो स्नाइपर ही है. चाहे तुम उसे बोल दो कि वो स्नाइपर के नाम पे नामर्द टाइप है, बट वो स्नाइपर ही है, कुछ भी बोल लो तुम, ठीक है. तो अब सीन क्या था कि मेरे पास थी मिनी एंड यहाँ पर होते होते रह गया स्कैम. अब एक गलत कंटेनर साले, भाई साहब कितना बुरा लगा इसके लिए. ये सोच रहा था एक बंदा आएगा, दो बंदे आएंगे, भाई पूरे के चार बंदे हम ना उसी कंटेनर के अंदर घुस गए पागल जैसे अपनी गन लेके. और बेचारा VSS मार रहा था, अगर सारी गोलियां बेचारी की लग भी जाती तब भी बच जाते हम, क्योंकि वो गन रिलोड होने में ही साल लगा देती है ना. अरे भाई इतने डोक कड़े की गन है वो कि तुमको 5-6 साल लग जाएंगे रिलोड करने में. एंड ये मैं स्ट्रीम करते हुए खेल रहा था RIO TV पे. तो RIO TV जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तो बहुत बुरी तरह स्ट्रीम स्नाइप भी हो रहा था. आप भी मेरे अगेंस्ट खेल सकते हो रोज आकर के, हम रोज लाइव आते हैं. तो ये लोग भाई हम पे घुसे जा रहे हैं,
गाड़ी वाड़ी आ रही है कहीं कहीं से एंड आ करके भाई ठुके जा रही है हम पे। मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो गलत ही स्कैम चल रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ। तो फिर मैंने ना धीरे 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 क्लोज इन करना स्टार्ट करा इन बंदों पे जो गाड़ी आई थी एंड फिर मेरे को ऑफ कोर्स एक मौका मिल गया। इधर नॉक, एनिमीज अहेड एंड उस बंदे को नॉकआउट करने लगे भाई ना तुम्हारा भाई रुका ही नहीं। मैंने आओ देखा ना ताओ, हाँ मतलब मैक्सटन की शक्ल देख लो एक बारी को तो तुम भाई कहीं भी रश कर दोगे क्योंकि भाई इतनी गंदी शक्ल है वटोड़ो। अबे मैंने कितना मारा, ओ किंग एंड रू मेरे पे बंदा नीड की बोले रहा सामने। एंड एक मजे की बात बताऊं कैब गैंग, मतलब मैंने 7 बंदे मार दिए ठीक है जॉर्ज पुलमैन, अभी तक मेरे पास हेलमेट नहीं है भाई, 1-2 लेवल 2 की वेस्ट है मगर हेलमेट नहीं है और मैंने मिस्टर किंग एंड्रो को नॉकआउट करा था यार, मतलब व्हाट द हेक। नहीं भाई मेरा असली बंदा वो है, मैं नकली हूँ गाइस, मैं नकली हूँ, आई एम सो सॉरी, वो असली बंदा था जिसको मैंने मारा है। आई किल्ड किंग एंड्रो, ये होगा वीडियो का टाइटल शायद से, एंड पबजी मोबाइल एंड इट वॉज सो ईजी। अरे भाई गिर के मर गया, नेवर माइंड मिस्टर किंग एंड ब्रो, होता है ये दो केडी का गेम प्ले में ऐसा ही होता है। अब मेरे पास भाई हेलमेट के नाम पे कुछ था नहीं तो मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रहा था कि कहीं हेलमेट मिल जाए भाई, क्योंकि भाई जॉर्ज पुल खत्म हो गया मगर जॉर्ज पुल की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एंड अगर तुमको अभी तक मजा आ रहा है तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसे और चैलेंजेस करूँ, शॉर्ट गन चैलेंज, क्रॉसबो ऑनली चैलेंज, पूरा सर्वर से क्रॉसबो चलाएगा, पूरा सर्वर से शॉर्ट गन चलाएगा, पूरा सर्वर से पिस्टल चलाएगा, तो भाई नीचे चल जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो आके नीचे कमेंट सेक्शन बताना कि तुम में से किस किस ने आज से पहले ऐसा कोई चैलेंज अपने साथ खेलते हुए किया है, अपनी टीम के साथ या फिर अपने सर्वर में जहाँ पर आपने कस्टम होस्ट करके ऐसा चैलेंज किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये पता नहीं कहाँ से भाई रोडीज देख के आए थे लड़के, आकर के गाड़ी वाड़ी से ठोके जा रहे जॉर्ज पुल में। मैंने कहा भाई अभी एक गाड़ी आई फिर दूसरी गाड़ी आई, ये क्या हो रहा है, ये कितनी गाड़ी आ रही है भाई मेरे, ये क्या चल रहा है। तो सामने वाली स्क्वाड का मैंने जल्दी से यहाँ पर एक बंदा नॉक करा एंड फिर वापस से अपनी मिनी निकाली, मतलब मैं देख रहा हूँ मिनी को यार किस तरह चला रहा हूँ भाई, हद होती है भाई एंड्रो क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ अपनी बेटा, तुम मिनी को यार की तरह चला रहे हो भाई। अब इस स्क्वाड को अपनी गलती महसूस हो गई थी कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पर पुश करके, क्योंकि इनका एक बंदा जो भागने की कोशिश कर रहा था ना भाई, बुरा लगा यार तेरे से, वो बेचारा मेरी आंखों के सामने से अपनी गाड़ी निकाल रहा है ये सोच के कि जिंदा निकल जाएगा, निकलना पड़ेगा जोन अपने को, सैड क्या मजे ले रहा है, वेरी वेरी सैड मेरा भाई, होता है अब नहीं कर सकते कुछ, तुमको आना ही नहीं था जॉर्ज पुल, तुम ही तो हो तो केडी के ऊपर ना, मतलब किल की भूख एंड केडी के लालच ने इनको इतना अंधा बना दिया, ये बंदे जोन छोड़ के जॉर्ज पुल आ रहे भाई, जॉर्ज पुल 100,000 meters दूर है भाई जोन से, तुम 1,000 meters बाहर आ रहे हो बंदों को मारने के लिए, किल की भूख देखो अपने तो पिटोगे ही नहीं, तो भागने का मतलब क्या है, फिर तो पिटोगे भाई, फिर तो लड़ लो, जब कमिट करते हो तो पूरे कमिट हो, या आधा अधूरा कमिटमेंट नहीं होता है भाई यहाँ पे। एक बार भाई मैंने अपनी सुन ली तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनता बस। तो अब मेरे को यहाँ पर एसके से बंदे तो दिख रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी ला करके ठोकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि देखो यार इनसे फाइट लेके अभी तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि जोन जाना है एंड जोन बाबा अगर हम टाइम पर नहीं गए एंड गुस्सा हो गए तो भाई ऐसे थप्पड़ लाते हैं भूख से गुस्से मार देंगे कि भाई मर जाएंगे हम, एंड मेरे को मरने का मूड नहीं है। तो हमने निकाली अपनी BRDM भाई एंड चल दिए पूरे फुल स्पीड बंदों को ढूंढने के लिए एकदम फुल स्पीड।
अब यहाँ पे जब हम जोन में आ रहे थे तो हमको थोड़े बहुत बंदे दिख रहे थे, तो उनसे हमने थोड़ी बहुत ऐसी यू नो चलते चलाते फाइट ली। एक दो यू नो वो भी जा रहे थे, ये दोस्त थे हम नहीं छोड़ेंगे वाली गाड़ी में, कोई ट्रिपल सीटर लेके जा रहा है कोई, एक मतलब बंदे जा रहे थे हमारे आसपास से, और एक दो बंदों ने डिसाइड किया कि हमसे लड़ाई भी ले लेंगे वो बिना मतलब की। मतलब यार पाजी जोन चले जाओ, किसी ने कहा है लड़ने को। एंड यार मेरे को ये बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में क्या है कि अगर BRDM के ऊपर रेड जोन फटता है तो हम बचते हैं कि मर जाते हैं। मेरे को नहीं पता यार, वैसे FPV भी BRDM को उतना बुरा नहीं आया, पूरा यू नो टैंक, पूरा टैंक टाइप लगता अंदर से ही, एकदम मस्त खतरनाक सा हरा भरा सा टैंक, एकदम मस्त लग रहा है भाई। तो उसके बाद हमने अपनी शिमला वाली US तो नहीं है ये, इसको क्या नाम रखे हम, वाइट वाली आंटी, नहीं इसका नाम वाइट वाली आंटी कैसे होगा, नेवर माइंड, इसका नाम होगा चुन्नी वाली US। ओ बढ़िया रे, उठा पहले प्लेयर उठा, नहीं बेटा और चलाओ मटर चलाओ तुम, ये बंदा आता और आता है मेरे बंदे को मटर मार देता है, बट मटर से मेरा मतलब है VSS, नहीं मतलब ज़्यादा मत सोचो वो मटर ही कहते हैं उसे। तो अब वैसे चुन्नी वाली US जो हमारी उसका वाइट स्किन है मेरे भैया, मैंने उसका नाम चुन्नी वाली US क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब इससे बेतु का नाम मेरे को जिंदगी में नहीं मिला, चुन्नी वाली US व्हाट द हेक एंड ब्रो। एक्चुअली उसमें कपड़े का बंदा हुआ है ना बहुत बड़ा, तो वो कपड़े वाली US होनी चाहिए, मगर पता नहीं यार मैंने चुन्नी की बोल दिया, अब लाइक होता है यार, लाइक कर दो नीचे आकर के, और क्या कर सकते हैं, लाइक कर दो। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम में से किसी ने कभी ऐसा मोड खेला है क्या, एंड अगर खेलना चाहते हो तो ऑफकोर्स RIO TV पे आ जाओ, फॉलो कर लो, हम रोज़ सुबह 12 बजे लाइव आते हैं उधर, और बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम लोग साथ में खेलते हैं उधर। अब सीन क्या था कि इधर हम पहाड़ी पे बैठे हुए थे, पहाड़ी पे हमारे पास थी मिनी, मिनी के साथ थी कार 98, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बो था, क्लोज रेंज प्लस लॉन्ग रेंज गन दोनों थी। तो हम लोग यहाँ पे पहाड़ पे वेट कर रहे थे कि अगला जोन कब आएगा और हमें कब निकलना होगा। तो हम लोगों ने यूं ही थोड़ी देर इधर उधर स्नाइपिंग वाइपिंग से मारी, अपना मुंह इधर उधर मारा यू नो बिना मतलब के, ना किल मिले ना केडी बड़े, बस गोलियां वेस्ट हुए। एंड फिर हम चल लिए, हम निकल लिए उधर से, एंड इस कंपाउंड में आगे जहाँ पर बंदे पहले से फाइट कर रहे थे, एंड हमने आकर के उनका थर्ड पार्टी कर दिया। एंड थर्ड पार्टी तो भाई साहब का ही करा है, ये बंदे तो रोहित ही है। एंड यहाँ पर दो देखोगे तुम, अरे भाई अब देखो ये एक स्नाइपर ओनली चैलेंज था, मगर आपको तो पता होगा कि हर गेम के अंदर एक एयर ड्रॉप आता ही है, एयर ड्रॉप के अंदर M249 भी मिल सकती है, MKF भी मिल सकती, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि एयर ड्रॉप को तुम इफेक्ट नहीं कर सकते मोड से एडवांस के। तो हम पे फिर एक ऑग वाला बंदा आ करके घुस जाता जो हमको AUG मारने की कोशिश करता है भाई साहब। इधर ही 10 डिग्री वहीं पर ही है, पीटा जा रहा है, खराब लगा, ऑग लेके भी पिल गया। अबे सॉरी यार मैंने उसको ही फोड़ दिया गलती से। अब ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस तो इसने तो पुश तो भाई ऐसा करा कि क्या ही बताऊं, मतलब एक तो भाई चोरी ऊपर से सीना, मतलब भाई देखो ये सब तो समझ आता है मुझे, ये क्या है, नहीं व्हाट इज दिस, तुम पहले तो AUG लेके पुश करते हो उसके बाद पिट भी जाते हो, मतलब अलग ही लेवल है भाई। एंड इसके बाद जो हम कंपाउंड से निकलते हैं, एक स्क्वाड से निकले तो ठीक है, दूसरे स्क्वाड में अटके, फिर तीसरे स्क्वाड, भाई मैंने एक चक्कर मारा पूरे के पूरे एरिया में ना, एंड पूरे के पूरे एरिया के अंदर अलग ही चीज, अलग ही चीज, अलग है टेस्ट है भाई। हम यहाँ से गोल गोल जा रहे हैं घूमते फिरते, एंड हर जगह गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, बंदे पे बंदे आ रहे हैं, एंड हमारे पीछे भी एक गाड़ी लग गई। फिर भाई साहब मैं 2 केडी का नूबड़ा हो जो आया हूँ, हमारे पीछे गाड़ी है अक्षय भाई, मैंने डिसाइड किया कि ये घूमम फिर से कुछ होगा नहीं, ऐसा करते जो उनसे कंपाउंड में आए तो उसी में चले जाते भाई, 20 बंदे बहुत होते, कहीं रास्ते में पेल पुल लिया तो हमारे घंटा पता नहीं चलेगा कि हमारी क्रेट कहाँ गई। तो मैं तो वापस आ गया भाई, क्या भी तुमने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया, क्योंकि अभी मज़ा आने वाला है भाई। हाँ क्योंकि अभी दिन रात होने वाली है, सूरज चांद होने वाला है, बारिश सूखने वाली है, और ओल क्या कहता हूँ उसे, ओले
बरसने वाले हैं। एंड M16 तो नहीं है, ये मिनी है, नेवर माइंड, समझ जाओ फीलिंग को। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हमको यहाँ पर एक बंदा दिखता है भागते हुए, अब किल तो नहीं मिलता मेरे को, किस्मत फूट रहे अब, ये फूट रही किस्मत लेकर मैं कहाँ से किल करूँगा। तो अब मेरे को यहाँ पर दिखता है कि जोन जा चुका है हमारे ऊपर से, तो हमने अपनी फेक टैक्सी निकाली। हाँ ये हमारी फेक टैक्सी है, ज़्यादा मत सोचो तुम, अगर तुम ज़्यादा सोच रहे हो तो बेटा बैन है वो, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने अपनी फेक टैक्सी में निकल लिए हमारे बंदे को ले करके एंड इधर हम ट्रिपल स्टोरी पे आ गए। एंड ट्रिपल स्टोरी पे से ना हमको बहुत अच्छा एम मिल रहा था सामने वाले कंपाउंड के ऊपर, तो हमने ऐसे मिनी M24 सब उठा उठा करके भाई बजा बुजूटी सामने वाले स्क्वाड के ऊपर, बहुत मजा आया इनको। उसका हेड पड़ गया, शिट यार उसको हेड पड़ गया। अब क्या होता है यहाँ पर कि वो बंदे तो अब जोन के लिए निकल जाते हैं, उनके पास एक गाड़ी होती है जिसमें वो बच जाते हैं। अगर सही बताऊं तो अगर वो दूसरी गाड़ी में मैं ले जाता ना, अगर वो बंदा वहां से गाड़ी हटाता नहीं, सही में इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड यहीं पर ही मर जाती है भाई। कैब गैंग ने मजाक स्टार्ट के बचते हैं ना लड़का, जोन कैसे जाते हैं, इनकी गाड़ी कौन देता है, नहीं हम इनको रास्ते में मिनी मोनी M24 से मार देते। एंड फिर हमको बंदे दिखते तो उनको हम थोड़ी सी M24 से मजे भी दिला देते जिंदगी के एकदम ऐसे। तो अब भाई मैंने यहाँ पर से पूरी की पूरी स्क्वाड ही मार दी M24 से उठा करके ना, मैंने कहा ले ना बेटा तू चाटे ले चाटे, तो चाटों पे चाटे मैंने बजा दी उस बंदे के एंड उसको बहुत इजीली मैंने उसे मार दिया। अब 8 बंदे बचे थे कैब गैंग, मैंने डिसाइड किया कि यार अब जोन चलते हैं, ये घूम हम फिर इसे तो कुछ होगा नहीं, बस मैक्स सारी सी शक्ल याद आएगी। तो यहाँ पर ये बंदा जो लाइक हवा में कूद रहा, मैंने कहा ठीक है यार मीटअप मीटअप इसको छोड़ दो, बगर मेरे को दिखते हैं फिर बहुत सारे सांप, क्योंकि 8 बंदे जिंदा हैं कि 6 बंदे जिंदा हैं पता नहीं, मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, 8 हैं शायद से कि 6 हैं, 8 लग रहे हैं बट, मगर अब मेरे को जोन तो जाना ही, ये पत्थर जोन में नहीं है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पर स्मोक स्मोक शुरू कर दिया, लेफ्ट में हल्की बल्की मिनी मिनी सी मारी एंड स्मोक फेंकनी, पूरी स्मोक वॉल बनानी शुरू कर दी, क्योंकि भाई जोन में जाना है हमें। एंड अगर जोन में नहीं गए तो भैया पिटम पिटी हो जाएगी, क्रेड बन जाएगी, केडी कम हो जाएगी, मर जाएंगे, चैलेंज हार जाएंगे, स्नाइपर चैलेंज हमारा अधूरा ही रह जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे 15 किल हो चुके हैं। एंड गेम एकदम मस्त जा रहा है, एकदम ऐसा जा रहा है ना, ऐसा एकदम ऐसा गेम जा रहा है कि भाई मज़ा आ रहा है जिंदगी का, क्या ही बताऊं। तो अब मैंने डिसाइड किया कि सामने एक जब बंदा नॉकी है तो उन पर घुसना ही चाहिए, अब क्या करेंगे यहाँ रह के हम। एक सही बात बताऊं, नहीं भाई नहीं सही बात बताऊं, वो बंदा मेरे को दिखा नहीं, सही बता रहा हूँ कैब गैंग, मेरे को नहीं पता ये डॉग केड़ी के गेम ने उसे कैसे मरवाया, सही में मैंने उसको देखा भी नहीं था। मैंने उसे बताऊं ब्लाइंडली क्यों मारा था, क्योंकि जब भी बंदे को लेफ्ट से गोली पड़ती पेड़ के तो हमेशा राइट आता है, तो मेरे को लगा था क्या पता राइट है, वो दिखा भी नहीं मेरे को। एंड कैसे तो शॉट लग गया एंड कैसे तो वो मर गया, तो कैसे। अब यहाँ पर एक और गुटका धारी नागिन को हमने लॉबी में भेज दिया, अब आखिरी बंदा बचा था क्योंकि एक तो मीटअप वाला है, तो हम अपनी एनर्जी ड्रिंक मारते हैं लड़ाई के लिए, तैयार हो जाते हैं एकदम आग लगाने के लिए। तो फिर हमको लेफ्ट में वो बंदा हवा में कूदता हुआ मिलता है, ये देखो भाई तुम्हारे भाई का शो ऑफ इतनी घटिया मिनी चलाता है भाई ये डॉकड़ी का नुबड़ा। तो लेफ्ट में एक बंदा दिख गया, मैंने कहा अरे हाय भाई क्या हाल, हाय 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 कैब गैंग मेंबर, अरे 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 पाजी क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, सब चंगा सब मंगा, मजा आ रहा है भाई बंगा। तो मैं तेजी से भाग के गया इसकी तरफ, भाई देखो हाल चाल तो पूछना पड़ेगा, बंदा पूरा गेम आखिरी तक सरवाइव किया भाई साहब, ऐसे कैसे, अरे भाई साहब ऐसे कैसे, अरे अटेंडेंस दे दो भाई, अटेंडेंस दे दो एंड्रू को अब तो, हां दे दी। एंड अब फिर यहां पर शुरू होती है पैन फाइट, किंग एंड्रू की पैन फाइट कमेंट्री शुरू होते हैं, और यहाँ पे शुरू होते ही पहला बॉडी शॉट मार दे किंग एंड्रू ने, दूसरे बॉडी शॉट में खत्म।
ओ भाई एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ मारो मुझे मारो, ये क्या कर दिया। एंड यहाँ पर दूसरी पैन फाइट शुरू होते हुए, क्या किंग एंड्रू अपनी लाज बचा पाएगा, क्या किंग एंड्रू अपनी गेम जिता पाएगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर किंग एंड्रू बैकअप करते हुए, किंग एंड्रू सामने वाला बंदा बहुत ही दिमाग से खेलते हुए, हल्का सा पैसिव अप्रोच है दोनों बंदों का, कोई भी क्लोज इन नहीं कर रहा, बट किंग एंड्रू थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाते हुए एंड यहाँ पे पहला शॉट मारने की कोशिश कर, किंग एंड्रू मिस होता हुआ और एक बॉडी शॉट लग चुका है। यहाँ पे लगता है किंग एंड्रू गेम प्लेट देगा, और क्या किंग एंड्रू का लगा शॉट, और ये क्या, विनर विनर चिकन डिनर। मतलब क्या किंग, वीडियो अच्छी तो भाई हमारा हाई किल गेम प्ले था, हाई डैमेज गेम प्ले था, तो लाइक कर देना, और अगर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में अगर तुमको और ऐसे चैलेंजेस देखने हैं, एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर ना। भाई देखो सीधी बात, नो बकवास, सब्सक्राइब करो यार, नहीं बहन नहीं, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ये गेम प्ले, क्योंकि कुछ अलग है, चैलेंज है। तो और मिलेंगे हम आपको कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन, ऑल ऑफ यू, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।